हेलो फ्रेंड्स, एग्री न्यूअर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारी जो कंटिन्यू चल रही रैपिड फायर सीरीज में हम सोइल साइंस रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आज तक पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड, मतलब वह मटेरियल जो ग्रेविटी गुरुत्व के कारण ट्रांसपोर्ट हो रही है उसे किस नाम से जाना जाता है, कोलुवियल, मेराइन, ग्लेशियल या इओलियन। तो हमारी जो सेडिमेंटरी रॉक है वो क्या होती है, ट्रांसपोर्टेड अपना जो मटेरियल है उसके द्वारा ही बनती है। वो अलग अलग ट्रांसपोर्टेड का मीडियम हो सकता है। तो जो इसमें पूछा है कि ग्रेविटी के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट हो रही है उसे अपन किस नाम से जानेंगे, तो जो ग्रेविटी के नाम द्वारा हो रही है उसे जानते हैं कोलुवियल के नाम से। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। इसके अलावा और हम देख लेते हैं, कोलुवियल बाय ग्रेविटी, अगर बाय सी वाटर समुद्र के वाटर के द्वारा हो रहा है ट्रांसपोर्टेड मटेरियल इकट्ठा तो उसको मेराइन, बाय वाटर एलुवियल, एओलियन बाय विंड सेंड जो होती है, ग्लेशियल बाय आइस और इओलियन बाय विंड सिल्ट। अगर सिल्ट जमा हो रही है विंड के द्वारा तो उसको इओलियन बोलेंगे, अगर सेंड जमा हो रही है तो उसे अपन एओलियन बोलते हैं। हमारे ये सब हमारे क्या है, ट्रांसपोर्टेड जिस मीडियम के द्वारा हो रहा है उनके अलग अलग नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, रॉक विथ बोल्डर पेबल साइज्ड मिनरल्स इज नोन अस, मतलब बड़े कंकर पत्थर जो है उनको अपन किस नाम से जानते हैं, मतलब पार्टिकल का साइज है बोल्डर साइज के है कंकड़ पत्थर साइज के अपन किस नाम से जानते हैं, अर्जिलेसियस, अरेनेसियस, रुडेसियस या फिर सिल्ट्रो। तो जो अपना अर्जिलेसियस है, अर्जिलेसियस जो पार्टिकल का साइज होता है वो क्ले के साइज का होता है। क्ले का साइज अपना कितना होता है, लेस देन 0.002 mm। तो जो पार्टिकल क्ले साइज के होंगे उसको अपन बोलते हैं क्या, अर्जिलेसियस। पार्टिकल का साइज अगर सेंड के साइज का है मतलब 0.02 से 2.00 mm तक है तो उसे अपन बोलेंगे अरेनेसियस। और अगर पार्टिकल का साइज बोल्डर साइज का है कंकड़ पत्थर के साइज का है तो उसे अपन बोलते हैं रूडेसियस। और सिल्ट रॉक अपन किसको बोलते हैं, जिसमें पार्टिकल का साइज जो है वो सिल्ट के बराबर है मतलब 0.002 से 0.02 mm तक होता है तो उसे अपन बोलते हैं सिल्ट रॉक। जो अपना अरेनेसियस है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अपना सेंड स्टोन, और सिल्ट रॉक का एग्जाम्पल हो जाएगा सिल्ट स्टोन। तो हमें क्या पूछा है, बोल्डर पेबल्स मतलब जो कंकड़ पत्थर है उसे अपन किस नाम जानेंगे, रुडेसियस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुडेसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, साइंस दैट डील्स विथ जेनेसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल इज रिफर्ड अस, वो कौन सा साइंस है जो अपने सोइल है उसके क्लासिफिकेशन और उसके जेनेसिस मतलब उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है, पेट्रोलॉजी, पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी या फिर पेट्रोग्राफी। तो हमारा जो पेट्रोलॉजी है इसमें हम स्टडी ऑफ रॉक्स करते हैं, मतलब हमारी जो चट्टान है उनका अध्ययन अपन किसके अंदर किया जाता है, पेट्रोलॉजी में। पेडोलॉजी सोइल की उत्पत्ति उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताता है। इडेफोलॉजी प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ सोइल के रिलेशन की स्टडी करता है, मतलब सोइल के रिलेशन के साथ प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को बताता है। पेट्रोग्राफी में इसमें रॉक्स की जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है और उसका क्लासिफिकेशन है उसकी स्टडी की जाती है। इसके अलावा एक होता है अपना पेट्रोजेनेसिस, पेट्रोजेनेसिस में ओरिजिन ऑफ रॉक्स जो चट्टान है उनकी उत्पत्ति के बारे में स्टडी की जाती है। तो पेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक्स, पेडोलॉजी सोइल की उत्पत्ति और क्लासिफिकेशन, इडेफोलॉजी प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सोइल के साथ रिलेशन की स्टडी, पेट्रोजेनेसिस ओरिजिन ऑफ रॉक और पेट्रोग्राफी रॉक्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन की स्टडी की जाती है। तो हमें पूछा है जेनेसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकेंड, पेडोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन इज लोकेटेड एट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन कहाँ पर लोकेटेड है, भोपाल, करनाल, देहरादून या फिर नागपुर। तो हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन है वो कहाँ पर है, देहरादून में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, देहरादून। इसके अलावा हमारे जितने भी सोइल से रिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे हम यहीं पे देख लेते हैं डिटेल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस भोपाल, सेंट्रल सोइल सैनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन सोइल टेस्ट विथ क्रॉप रिस्पॉन्स भोपाल,
AICRP on salt affected soil use of saline water in agriculture और नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र में। तो हमारे जितने भी सोइल से रिलेटेड इंस्टीट्यूट हमें सब एक ही जगह पर आपको दे दिए हैं, तो आप एक ही जगह से पूरे जितने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल मिनरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ रॉक फास्फेट। हमारा जो रॉक फास्फेट है वो किस, उसका मिनरल कंस्टिट्यूएंट कौन सा है, एपेटाइट, टूरमेलाइन, क्वार्ट्ज या फिर ओलिविन। तो हमारा जो प्रिंसिपल मिनरल कंस्टिट्यूट रॉक फास्फेट का वो है एपेटाइट। इसके अलावा और भी हम देखते हैं कि कौन कौन से मिनरल के सोर्स कौन कौन से हैं। नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक मैटर सबको ही पता है, मैग्नीशियम का डोलोमाइट, मस्कोवाइट, बोरोन का टूरमेलाइन, ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। सल्फर का जिप्सम, पाइराइट ऑर्गेनिक मैटर, आयरन का पाइराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नीज का भी पूछा जाता है मैग्नेटाइट, तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है मैग्नीज और मैग्नेटाइट। सिलिका का एक क्वार्ट्ज, फास्फोरस का एपेटाइट, ये भी बहुत बार पूछा गया है। कैल्शियम का लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड जिप्सम, जिंक का है स्पेलेराइट, क्लोरीन का एपेटाइट, पोटेशियम का माइका, फेलस्पार, बायोटाइट और मोलिब्डेनम का भी पूछा गया है, तो मोलिब्डेनम का है मोलिब ओलिब, तो यहाँ भी ओलिविन एंड मोलिब्डेनाइट, ये अपन किससे इसके नाम से याद कर सकते हैं। तो मोलिब्डेनम का बहुत बार पूछा गया, अपना फास्फोरस का पूछा गया है, इसके अलावा अपना मैग्नीज का, बोरोन का और मैग्नीशियम का पूछा गया है बहुत बार, तो अपने को मेन याद रखना, बाकी सबको भी एक बार ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस भोपाल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस जो भोपाल में इस्टेब्लिश्ड है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, ईयर पूछा है यहाँ पे 2015, 1988, 1974, 1969। तो हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस है ये भोपाल में है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में। सेंट्रल सोइल सैनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा जो है वो करनाल में इस्टेब्लिश हुआ था और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1969 में। सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। इंडियन इंस्टीट्यूट सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन ये देहरादून में, भी अपने पिछले जो अपना क्वेश्चन था उसमें भी देखा था सब इंस्टीट्यूट के बारे में। तो यहाँ पे हम देखते हैं उनके इस्टेब्लिश ईयर क्या है, तो 1974 में हुआ था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन और इसका रीनेम हुआ था कब, 2015 में। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सोइल अपना 2015, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग 1976 कहाँ पर है, ये नागपुर में, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद 2003। तो पिछला वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें अपन ने क्या देखा था कि कौन से इंस्टीट्यूट जो सोइल से रिलेटेड है और ये कहाँ कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है। इस वाला जो क्वेश्चन है इसमें अपन देखेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट कब इस्टेब्लिश हुए थे, एक बार अपन देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस भोपाल 1988 में, सेंट्रल सोइल सैनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1969 में, इंडियन इंस्टीट्यूट सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून 1974 और ये रीनेम हुआ था 2015 में। 2015 में ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ सोइल घोषित किया मनाया गया था उसको। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद में 2003 में इस्टेब्लिश हुआ था। तुम्हारा राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक सोइल बिलोंग टू विच ऑर्डर। जो हमारी ब्लैक सोइल है वो कौन से ऑर्डर के अंतर्गत आती है, अलग अलग हमारे कितने 12 ऑर्डर है, उसमें कुछ जो हमारी जो सोइल उनको डिवाइड किया गया है कि कौन से ऑर्डर के अंदर कौन सोइल आती है। तो हमारी जो ब्लैक सोइल है वो किसके अंदर आती है, वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल, अल्फिसोल, अल्टीसोल। तो हमारी ब्लैक सोइल आती है किसके अंदर, वर्टिसोल के अंदर। इसके अलावा हम देख लेते हैं हमारी जो मेन मेन सोइल है, एलुवियल सोइल आती है अपनी एंटीसोल, इंसेप्टिसोल एंड अल्फिसोल, ब्लैक सोइल वर्टिसोल में, रेड सोइल अल्फिसोल, लेटराइट सोइल अल्टीसोल और डेजर्ट सोइल आती है एरिडी सोइल ऑर्डर के अंदर। हमें ब्लैक सोइल पूछा है तो किसके अंदर आती है, वर्टिसोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड डोमिनेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आफ्टर ऑक्सीजन इज। हमारे क्या है जो कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, हमारे कुछ 8 इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, उसमें जो सबसे डोमिनेंट कौन सा है, तो सबसे डोमिनेंट है अपना ऑक्सीजन, लेकिन हमें यहाँ पूछा है सेकेंड डोमिनेंट, तो सेकेंड डोमिनेंट कौन सा रहेगा, अपना सिलिकॉन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। ये कौन से नॉन मिनरल है, अगर उसे नॉन मेटल है, और अगर मेटल पूछा होता तो फर्स्ट कौन सा आ जाता, अपना एल्यूमिनियम।
अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एलिमेंट और कितना परसेंट पाए जाते हैं अर्थकक्ष में। ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 0.8.1, फेरस 5.0, कैल्शियम 3.6, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 2.1% और अदर पाए जाते हैं 0.8%। तो हमारा जो ऑक्सीजन और सिलिका है दोनों नॉन मेटेलिक है और ये हमारी जो पूरी अर्थ क्रस्ट है उसके 74.32% या हम बोल सकते हैं 3/4 जो एरिया है उसमें कौन से पाए जाते हैं ऑक्सीजन और सिलिका। तो मैं पहला कौन सा हो जाएगा अपना ऑक्सीजन पाया जाता है और सेकेंड पे सिलिका। और अगर मेटेलिक में पूछेंगे तो मेटेलिक में अपना एल्यूमिनियम, फेरस, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम है। ये जो है अपना 1/4 एरिया जो ये इधर इनके सबके द्वारा कवर किया है, तो ये सब क्या है मेटेलिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ कल्टीवेटेड सोइल इज, जो हमारी कल्टीवेटेड सोइल है उसका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कितना है। 10:1 to 12:1, 8:1 to 15:1, 100:1, 4:1 to 9:1। तो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ कल्टीवेटेड सोइल का कितना रहता है, 8:1 to 15:1। हम देखते हैं और भी हमारा जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है कल्टीवेटेड सोइल का, अभी अपन ने देखा 8:1 to 15:1, स्ट्रोक का होता है 100:1, सार्डस्ट जो अपनी है उसका 400:1, लेग्यूम्स और फार्म मैन्योर जो गोबर की खाद है उसका 20:1 to 30:1 रहता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है 4:1 to 9:1 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्क डेंसिटी ऑफ सैंडी सोइल, हमारी जो सैंडी सोइल है उसकी बल्क डेंसिटी कितनी है। बल्क डेंसिटी जो है उसकी अगर यूनिट पूछी जाए तो उसकी यूनिट है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमारी जो बल्क डेंसिटी सैंडी सोइल की कितनी रहेगी, 1.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1.3 या फिर 1.1। तो बल्क डेंसिटी सैंडी सोइल की रहेगी 1.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके अलावा हम देख लेते हैं लोमी सोइल जो है उसकी 1.4, सिल्टी लोम सोइल जो है उसकी 1.3, और क्ले सोइल की जो बल्क डेंसिटी रहती है वो थी 1.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सैंडी सोइल के राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमोंग द फॉलोइंग क्रॉप विल बी द इंडिकेटर क्रॉप फॉर डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम, इनमें से वो कौन सी क्रॉप है जो पोटेशियम की डेफिशिएंसी के लिए इंडिकेटर का काम करती है। मतलब अगर जो हमारे प्लांट जो हमारी सोइल है उसमें अगर पोटेशियम की कमी है और ये क्रॉप वहाँ पर लगी हुई है तो ये हमें बता देगी कि हमारे सोइल में किसकी कमी है पोटेशियम की। तो कौन सी क्रॉप है, सोरघम, मेज, कॉलीफ्लावर या मस्टर्ड। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपना मेज, ऑप्शन सेकेंड। इसके अलावा और भी हमारे जो इंडिकेटर क्रॉप है हम देखते हैं नाइट्रोजन और कैल्शियम के लिए इंडिकेटर रहती है कॉलीफ्लावर और केबेज, फूल गोभी और पत्ता गोभी, फास्फोरस के लिए मस्टर्ड अपना जो सरसों है, पोटेशियम के लिए पोटेटो, मेज, आलू और मक्का, सोडियम सुगर बीट और टर्निप, बी जो बोरॉन है अपना उसके लिए सनफ्लावर, सूर्यमुखी, फेरस, आयरन के लिए सोरघम, ज्वार, कॉपर के लिए इंडिकेटर प्लांट रहेगा व्हीट, गेहूं, और जिंक के लिए इंडिकेटर प्लांट रहता है मेज। तो हमारा मेज जो है ये अपने क्वेश्चन पोटेशियम के लिए पूछा था, पोटेशियम और जिंक दोनों के लिए ही क्या है इंडिकेटर प्लांट का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू IISS द साइज ऑफ क्ले पार्टिकल इज, क्ले पार्टिकल की साइज IISS के अकॉर्डिंग कितनी होती है, 0.0022, 0.02 mm, लेस देन 0.002 mm, 0.22, 2.0 mm या फिर 0.022, 0.2 mm। तो हमारी जो ISS के अकॉर्डिंग जो हमारी क्ले पार्टिकल है उसकी साइज रहती है लेस देन 0.002 mm। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकेंड। अब ISS के अकॉर्डिंग जो भी सोयल पार्टिकल का क्लासिफिकेशन दिया गया है उसमें हम देखते हैं क्ले का जो डायमीटर रहता है वो लेस देन 0.002 mm, सिल्ट का 0.002 से 0.02, फाइन सैंड 0.02 से 0.2, कोरासे सैंड 0.2 से 2, ग्रेवल 2 to 75, कोबल 75 to 250 और स्टोन की ग्रेटर देन 250। तो यहाँ पूरी टेबल आपको दी गई है उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे सोइल पार्टिकल अलग अलग जो सोइल पार्टिकल है ISS के अकॉर्डिंग वो कितनी साइज़ के जो पार्टिकल रहेंगे उनको किस किस नाम से जाना जाता है, इनकी साइज़ के अकॉर्डिंग इनके नाम रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पार्टिकल डेंसिटी ऑफ क्ले सोइल टेक्सचर क्लास, जो हमारी क्ले सोइल है उसकी पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है, 2.65 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 2.798 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 2.659 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर 2.837 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्ले सोइल की जो पार्टिकल डेंसिटी रहती है वो कितनी थी, 2.837 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 4। इसके अलावा देखते हैं क्ले की 2.837 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, सिल्ट की होती है 2.798, फाइन सैंड की 2.659 और कोरासे सैंड की होती है 2.655। तो आप यहाँ से सभी की जो पार्टिकल डेंसिटी है उसको आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सैचुरेटेड सोइल इज कॉल्ड। जो वाटर है उसका सैचुरेटेड सोइल, अपनी जो संतृप्त मदा है उसमें नीचे की ओर जो पानी की गति हो रही है उसको किस नाम से जाता है, इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन, सीपेज या लीचिंग। तो हमारे जो पानी का मूवमेंट है उसका अलग अलग मूवमेंट को अलग अलग नाम से जाता है। जैसे अगर अनसैचुरेटेड सोइल में डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, मतलब नीचे की ओर जा रहा है, अनसैचुरेटेड सोइल है, असंतृप्त मदा है, तो वो उसके अपन किस नाम देते हैं, इनफिल्ट्रेशन। और अगर डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है सैचुरेटेड सोइल में तो उसे अपन जानेंगे परकोलेशन के नाम से। सीपेज, सीपेज क्या होता है कि इसमें जो पानी का बहाव है वो हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है, मतलब पार्टिकल टू पार्टिकल क्षैतिज इसका प्रभाव होता है, मतलब ये अपन क्या बोलते हैं सीपेज, जैसे नाली वगैरह में जो बहता है। और लीचिंग में क्या होता है कि पानी के साथ साथ हमारे जो साल्ट है वो भी क्या हो रहा है, उनका भी डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, मतलब वो भी नीचे की ओर जा रहे हैं, पानी प्लस साल्ट दोनों, तो उसको अपन बोलते हैं लीचिंग, निक्षालन। तो हमें क्या पूछा है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ओनली वाटर का पूछा है सैचुरेटेड सोइल में, तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2, परकोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन A=RKLSCP के डिनोट्स, एक जो अपने यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन है इसमें जो अपना के है ये क्या डिनोट करता है, सोइल इरोडिबिलिटी फैक्टर, सोइल कवर, सोइल इरोजिविटी या स्लोप ग्रेडियंट। तो हमारा के शो करता है सोइल इरोडिबिलिटी फैक्टर। अब हम देख लेते हैं इसमें जो अपने सारे वर्ड दिए हैं RKLSCP, इसे हम देख लेते हैं कि कौन किसको शो कर रहा है। तो ए बताता है प्रेडिक्टेड सोइल लॉस, क्योंकि सोइल लॉस इक्वेशन है अपनी। आर बताता है रेनफॉल एंड रन ऑफ, जितना बहाव हुआ है वो और जितनी बारिश हुई है उसको। के बताता है सोइल इरोडिबिलिटी। LS बताता है स्लोप लेंथ एंड स्टिफनेस। जो सी है वो क्रॉप मैनेजमेंट को बताता है कि अपना क्रॉप का मैनेजमेंट कैसा है। और पी बताता है सपोर्ट प्रैक्टिस जो की जाती है, फार्मिंग डायरेक्शन, स्ट्रिप क्रॉपिंग एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या है, हमारे सोइल लॉस इक्वेशन में जो भी हमारे जो इसका फॉर्मूला है उसमें कौन किसको डिनोट करता है उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इरोजन फॉलोज द सीक्वेंस। हमारा जो वाटर इरोजन है उसमें कौन सा सीक्वेंस फॉलो होता है, सबसे पहले कौन सी प्रोसेस होती है उसके बाद कौन सी, तो इसमें हम देखते हैं स्प्लैश रिल गली सीट, स्प्लैश सीट रिल गली, स्प्लैश गली सीट रिल या फिर सीट स्प्लैश रिल गली। तो हमारी जो प्रोसेस है वो स्प्लैश सीट रिल गली, मतलब सबसे पहले जब हमारी बारिश होती है छोटी छोटी जो बूंदें गिरती है उससे क्या होती है, मिट्टी के जो कुछ कण हैं वो क्या होते हैं, उछल के थोड़ी दूर पे जाकर गिर जाते हैं, मतलब ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था में क्या होगा कि हमारी जो सोइल की एक थीन सी लेयर है वो क्या होगी, बह के चली जाएगी, मतलब इसे किसान को पता भी नहीं चलेगा कि उसका लॉस हुआ है और उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए, मतलब उसकी जो महत्वपूर्ण लेयर है, जो मतलब उपजाऊ लेयर है वो क्या होती है, वो बह के चली जाती है, उसको अपन बोलते हैं सीट इरोजन। रील इरोजन में क्या होता है कि इसमें पानी से क्या होता है, उंगली के समान संरचनाएं बन जाती है, जिसे अपन जो अपने कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है उनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इसको नष्ट कर सकते हैं। और गली इरोजन में क्या होता है कि जो उंगली के समान संरचनाएं थी बड़ी नालियों में परिवर्तित हो जाती है, मतलब बड़ी खाई का रूप ले लेती है, और ये क्या होती है अपने कल्टीवेशन जो प्रोसेस है उसमें बहुत मतलब प्रॉब्लम करती है, और इसको आसानी से इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी, स्प्लेट इरोजन, सीट इरोजन, रील और गली इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलुविएशन प्रोसेस ओकर्स इन फॉलोइंग होरिजन ऑफ सोइल प्रोफाइल। हमारी जो इलुविएशन की प्रोसेस है वो कौन से होरिजन में पाई जाती है सोइल प्रोफाइल की, बी होरिजन, ई और ए टू होरिजन, सी होरिजन, ए होरिजन।
तो इसके आंसर से पहले हम देखते हैं हमारी जो सोयल प्रोफाइल है, उसमें सबसे ऊपर का जो होरिजन है उसको अपन ओ होरिजन कहते हैं, ऑर्गेनिक होरिजन। सेकेंड जो अपना ए होरिजन टॉप सोयल में, थर्ड है अपना बी होरिजन, ये बी होरिजन है अपना, फिर अपना सी और फिर अपना आर, ये आर होरिजन। तो जो अपना ओ होरिजन है ऑर्गेनिक है, ये बहुत ऊपर पाया जाता है, ये अपने जो फॉरेस्ट की सोयल है वहाँ पर पाया जाता है। ए होरिजन टॉप सोयल है, ए होरिजन में अपना एक होता है ई और ए टू होरिजन, ई और ए टू होरिजन को अपन बोलते हैं इलुविएशन, ई डबल एल यू। और जो अपना बी होरिजन है इसमें आके जो ऊपर के पार्ट है वो जो अपने कण है जो मिनरल्स वगैरह वो इसमें आके जमा हो जाते हैं, इसको बोलते हैं अपन इलुविएशन होरिजन। तो अपने क्या पूछा है इलुविएशन प्रोसेस कहाँ पर होती है, तो वो होती है बी होरिजन में। अगर पूछा जाता है इलुविएशन, तो इलुविएशन की प्रोसेस कहाँ पर होती है, अपनी ई और ए टू होरिजन में, और इलुविएशन की बी होरिजन में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, अर्थी ऑर्डर ऑफ सोइल ओकर्स बाय एक्टिनोमाइसिटी ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ, मतलब हमारी जब बारिश होती है उस वर्षा की जब बूंदे गिरती हैं, तो जैसे मिट्टी हमारी मिट्टी में वर्षा की बूंदे गिरेगी तो उससे अपने को एक खुशबू आती है, वो खुशबू किसकी वजह से आती है, तो वो खुशबू आती है एक्टिनोमाइसिटीज की उपस्थिति की वजह से। और एक्टिनोमाइसिटीज है वो क्या सिक्रेट करता है, तो वो सिक्रेट करता है जियोस्मीन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन सोइल साइंस इज, फादर ऑफ इंडियन सोइल साइंस कौन है, एम एल ट्रव, डोकुचेव, एच एच बेनेट या फिर लिथर। तो हमारे जो इंडियन सोइल साइंस के फादर है वो है लिथर। एम एल ट्रव जो है इन्हें फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग कहा जाता है। फादर ऑफ सोइल साइंस इन वर्ल्ड हम देखें तो है वी वी डोकुचेव, फादर ऑफ सोइल कंजर्वेशन एच एच बेनेट। इसके अलावा हमारे जो भी सोइल से रिलेटेड फादर वो भी और देख लेते हैं, फादर ऑफ सोइल टेक्सटोनॉमी जी डी स्मिथ, फादर ऑफ सोइल फॉर्मिंग फैक्टर जेनी, और सोइल फॉर्मिंग एक्टिव एंड पैसिव फैक्टर किसने दिए थे, तो वो दिए थे जोफे ने। तो हमारे जितने भी सोइल साइंस रिलेटेड है वो यहाँ पे हम साइंटिस्ट देख लेते हैं, फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग एम एल ट्रंग, फादर ऑफ सोइल साइंस इन वर्ल्ड वी वी डोकुचेव, फादर ऑफ सोइल साइंस इंडिया लिथर, फादर ऑफ सोइल कंजर्वेशन एच एच बेनेट, फादर ऑफ सोइल टेक्सटोनॉमी जी डी स्मिथ, और सोइल फॉर्मिंग फैक्टर दिए थे जेनी ने, और सोइल फॉर्मिंग एक्टिव एंड पैसिव फैक्टर दिए थे जोफे ने। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ, जो पोटेशियम है उसको किसकी सहायता से मेजर किया जाता है, फ्लेम फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एएस या फिर आईसीपी। तो हमारा जो पोटेशियम है इसको मेजर किया जाता है फ्लेम फोटोमीटर के द्वारा। फ्लेम फोटोमीटर के द्वारा हम पोटेशियम एंड सोडियम दोनों को ही डिटरमाइन कर सकते हैं। हमारा जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये मेजर करता है फास्फोरस को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो AAS मेथड है इसका यूज़ किया जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए, किसके लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट। और जो हमारी नाइट्रोजन की डिटरमाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है तो केजाल्ड असेंबली मेथड का यूज़ किया जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, फ्लेम फोटोमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक्स एंड सब्सक्राइब।